स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड. हमारे पास ये सेकंड प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह गिवन है. फाइंड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल. यानी कि हमने एक ऐसा प्रोजेक्टाइल देखना है स्टूडेंट्स जिसकी जो अपनी एक मैक्सिमम हाइट अटेन करे और फिर उसके बाद उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो उसकी हाइट के बराबर हो. ठीक. अब अगर फिगर के जरिए हम इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें जस्ट टू इमेजिन कि हमारे पास कौन किस तरह का प्रोजेक्टाइल होगा. अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस है. ठीक. और यहाँ से इस ओरिजिन के पॉइंट से हम जो है एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं. जैसे हम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है और मैं उसको जो है वो फेंक रही हूँ हवा में. अब मैं ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के जिस जो कि अपनी मैक्सिमम हाइट उतनी ही अटेन करें जितना वो रेंज अटेन कर रहा है. यानी कि उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसे हम रेंज का नाम कहते हैं वो बराबर हो जाए हमारे पास उसकी मैक्सिमम हाइट के जो कि उसने वर्टिकली अटेन की होगी. ठीक है. अब अगर हम देखें कि ये इसको मैं ग्रीन लाइन से शो कर देती हूँ कि ये हमारे पास उसकी जो है उसका प्रोजेक्टाइल का पाथ है जो कि उसने फॉलो किया है. अच्छा. अब अगर हम इसके डाटा की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, डाटा में जो हमें चीज़ गिवन है वो हमारे पास ये है कि उसकी जो हाइट है जिसे हम एच से डिनोट करते हैं वो हमारे पास किसके बराबर, रेंज के बराबर है. ठीक है. हाइट और रेंज को एक दफ़ा फिर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि रेंज जो होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास डिस्टेंस होता है जो कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और हाइट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास डिस्टेंस होता है. इन दोनों के हमने फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल में. वन बाय वन मैं उन्हें लिख भी देती हूँ जस्ट टू रिमाइंड कि एच की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी. वी आई का स्क्वेयर इंटू साइन साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. ठीक है. ये हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है जिसमें हमारे पास वी आई क्या है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल यानी कि वो वेलोसिटी जिसके साथ हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था. और इसने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है वो थीटा है यानी कि जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन जो कि हमने कैलकुलेट करना है. यानी कि थीटा जो है वो हमारे पास इस केस में अननोन है. और सेकेंडली हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, वो है हमारे पास रेंज का फॉर्मूला जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो हमारे पास के बराबर होता है वी आई का स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन ऑफ टू थीटा. और इसमें भी थीटा अगेन जो है हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन है. अब स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये कहता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. अब अगर एच और आर को हम इक्वेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी आई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, ये हमारे पास इक्वल है वी आई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा. ठीक. अच्छा. अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के बोथ साइड्स पे हमारे पास वी आई का स्क्वेयर जो है वो कॉमन आ रहा है तो ये एक दूसरे को कैंसिल अप कर देंगे. ठीक है. और कैंसिल अप करने और यहाँ अगर हम देखें तो जी भी हमारे पास कॉमन आ रहा है और वो भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो चीज़ें बच रही हैं 1/2 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा. अब स्टूडेंट्स मैथमेटिकल रिलेशन इसमें यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए. साइन ऑफ 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, साइन इसको एज इट इज लिख लिया और साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला मेरे पास होता है 2 sin θ इंटू कॉज ऑफ थीटा. ठीक है. ये मैथमेटिकल रिलेशन हमने यूज़ किया है. और अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास क्या है स्टूडेंट, साइन स्क्वेयर थीटा. और साइन स्क्वेयर थीटा हमारे पास क्या, साइन स्क्वेयर थीटा का क्या मतलब होता है कि यानी कि साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वेयर. ये साइन स्क्वेयर थीटा और साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वेयर एक चीज़ है हमारे पास. ठीक है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक यानी कि इसको हम अगर बहुत ही सिंप्लीफाई करके लिखें तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा और इज इक्वल्स टू 2 sin θ इंटू कॉज ऑफ थीटा. अब एक साइन जो है साइन ऑफ थीटा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिल अप हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर बचता है स्टूडेंट्स वो क्या बचता है कि हमारे पास 1/2 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos θ. अच्छा. अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम इस चीज़ को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं इस जगह ये कैलकुलेशंस करूँ बाकी की रिमेनिंग कैलकुलेशन 1/2 साइन ऑफ थीटा इंटू इज इक्वल्स टू 2 cos θ, तो हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा
और इसको डिवाइड कर दें हम कॉस ऑफ थीटा से, यानी कि बोथ साइड पे आपने क्या करना है कि कॉस ऑफ थीटा से डिवाइड कर देना, और ये टू वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 4 बना जाएगा, और कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा हमारे पास क्या बनाता है स्टूडेंट्स, टैन ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक। और इसमें से अगर हम थीटा की क्योंकि वैल्यू निकालना चाहते हैं जो कि हमारे पास अननोन है, तो थीटा हम किस तरह से निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4, ठीक है। टैन इनवर्स ऑफ 4 अगर आप लें तो आपके पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट 76 डिग्री, 76 डिग्री, यानी कि थीटा यानी कि एंगल ऑफ जो प्रोजेक्टाइल है, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारे पास कितना आया, 76 डिग्री। और स्टूडेंट्स इस एंगल पे यानी कि थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री पे हमारा जो प्रोजेक्टाइल होगा वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, जिस और जितनी उसकी हाइट होगी उतनी ही उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है उसका डिस्टेंस भी होगा, जिसे हम रेंज का नाम कहते हैं।